नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। मौसम काफ़ी खुशनुमा हो चुका है, राजधानी पटना का मिजाज बिल्कुल भी बदला हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि दोपहर का वक्त है और राजधानी पटना में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, तेज़ हवाएं चल रही है, मॉनसून की दस्तक बिहार में हो चुकी है। हालाँकि बिहार के कुछ हिस्सों में पहले ही मॉनसून अपनी दस्तक दे चुका था, लेकिन खासकर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में मॉनसून पूरी तरीके से दस्तक दे चुका है। बीते शाम राजधानी पटना में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद मौसम काफी खुशनुमा हो गया, लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। और इस वक्त हम राजधानी पटना के सड़क पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा हो चुका है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, धूप कहीं भी नजर नहीं आ रही है, गर्मी से बिल्कुल भी राहत लग रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम का अपडेट लेकर हम आपके पास हैं कि किस तरीके से जो है बिहार में एकाएक मौसम इस तरीके से बदला है। हालांकि लोगों को काफी दिनों से ये उम्मीद लग रही थी कि मॉनसून की दस्तक हो सकती है, हालांकि कई दिनों से लोग इस आस में थे कि मॉनसून कब दस्तक देगा बिहार में, और अब मॉनसून की दस्तक हो गई है। मेरे हाथों पर बूंदाबांदी हो रही है, यानी कि लग रहा है ऐसा कि अब बारिश भी कुछ देर में हो सकती है, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने बिहार के उत्तरी भागों में अपना असर दिखाने के साथ ही पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में शनिवार को अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। शनिवार को पटना समेत दक्षिण बिहार के गया, नालंदा, नवादा सहित 10 जिलों में वर्षा हुई। वहीं हवा की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा के आसार है, जबकि सीमांचल क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के साथ मधुबनी, सुपौल और अररिया जिलों में मेघ गर्जन के साथ अति भारी वर्षा को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान के अनुसार बिहार के ऊपरी हिस्सों में 15 दिनों से ट्रफ रेखा के गुजरने से प्रदेश के उत्तरी भाग में पूर्वा तो दक्षिण हिस्सों में पछुआ का प्रभाव बना हुआ है। शनिवार को पटना समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना में 20.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, वहीं प्रदेश के भागलपुर जिले में सर्वाधिक बारिश 44.0 दर्ज किया गया। बूंदाबांदी होनी शुरू हो चुकी है राजधानी पटना में और अब तेज हवाएं चल रही है। इस वक्त लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिल रही है क्योंकि मौसम का मिजाज एकाएक बदल चुका है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि अब पटना में अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी, सामान्य से अधिक मॉनसून जो है इस बार मॉनसून में बारिश दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ ऐसा भी अनुमान जताया गया है कि अगले आने वाले 24 घंटों में राजधानी पटना समेत बिहार के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा दर्ज की जाएगी। तो फिलहाल के लिए मौसम के अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।